प्रणाली राउत जो 2015-16 की बैच की है और ये हेरी गढ़चिरौली से है और अभी ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है जर्मन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर फ्रॉम JNU। तो मैं इनवाइट करती हूँ प्रणाली को कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। या जर्मन टू ऑल, मेरा नाम प्रणाली ताराचंद राउत है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो ये बहुत मतलब बैकवर्ड माना जाता है। अब मेरा जर्नी ये है कि जैसे मैंने मेरा स्कूलिंग यहीं से किया है, 8th स्टैंडर्ड तक। फिर मैंने इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल ज्वाइन किया था, मेरा 10th तक वहां पे हुआ। फिर मैंने साइंस कॉलेज में यहाँ का, जो कि मतलब एक ऐसे बोला जाता है कि एक रेप्यूटेड साइंस कॉलेज है सो कॉल्ड, जिसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाता बट है नाम के लिए, तो मैंने मेरा 12th वहां पे किया। अब मेरा साइंस था। फिर मेरे दीदी जो नागलोक में पढ़ते हैं, तो उनको पता चला कि वर्धा में नालंदा एक एकेडमी है जहाँ पे सर हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को। तो दीदी ने मुझे इंसिस्ट किया कि देख तू अब वहाँ पे चल मेरे साथ, वो भी आएंगे और फिर हम दोनों चलेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे और फिर आगे का जो भी है तुझे एजुकेशन के बारे में पता चलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर मैं मेडिकल करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। मुझे बहुत फैसिनेशन था इस चीज को लेके कि डॉक्टर बनना मतलब बहुत बड़ी बात है, नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो बहुत बड़ा इंसान हो जाता है, जो कि फिर बाद में 12th के बाद मेरा मिथ टूट गया। मैं नालंदा गई, जो मुझे नागलोक के थ्रू पता चला था, मतलब दीदी के थ्रू मैं गई वहां पे। फिर मुझे अनूप सर मिले तो सर जी ने मुझे समझाया था, मैं ये बोल के गई थी सर जी के पास कि सर जी मुझे IAS के लिए प्रिपरेशन करवा दो और मुझे कुछ नहीं करना है, बस वो करा दो। अब सर हंसने लग गए, बोले कि बेटा आप अभी कर क्या रहे हो। मैंने बोला सर जी मेरा 12th हुआ है, अब मुझे ये पढ़ना है। तो सर बोलने लगे कि अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा लेकिन मैं IAS की नहीं कराऊंगा, अभी पहले आपको मतलब हायर एजुकेशन को लेके थोड़ा सा सीरियस होना है, हायर एजुकेशन के बारे में जानना है। तब मुझे सबसे पहले क्वेश्चन ये आया कि भाई हायर एजुकेशन होता क्या है, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ मेरा बैकग्राउंड बहुत मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों भी मतलब 10th तक ही पढ़े हैं, लेकिन उनको ये था कि मेरे मतलब बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और मेरा मतलब मेरे फैमिली का बैकग्राउंड हमेशा से ये था कि उनको पता है थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे सावित्री माई फुले को लेके हम लोग मतलब घर में पापा मुझे हमेशा से बताते थे कि उनके जैसे आगे बढ़ना है, उनका इंस्पिरेशन लेना है, वो रोल मॉडल है तुम्हारे, तो इन चीजों को लेके हम बड़े हुए। तो फिर जब सर के पास गए तो सर ने बोला कि एजुकेशन इज मस्ट, आपको हायर एजुकेशन लेना है, फिर देखेंगे कि बेटा आपको जाना है नहीं जाना है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है सर जी बता रहे तो कर लेते हैं। फिर मैंने शुरू किया मेरा जर्नी। शुरू में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, एज इन कि जैसे रीजनिंग पढ़ाते थे, फिर एडिटोरियल, एडिटोरियल तो मैंने कभी नहीं मतलब ऐसे देखा था इतने अच्छे से कि भाई एडिटोरियल भी कोई चीज होती है, उसको पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर सर ने धीरे धीरे समझाया कि एडिटोरियल को ऐसे पढ़ना होता है, फिर उसमें से इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा आपका, GK भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। फिर रीजनिंग के बारे में पता चला, फिर एट लास्ट ये वो धीरे धीरे जो मतलब मेरा एम था वो चेंज होने लग गया कि भाई मुझे IAS नहीं बनना है, जो हायर एजुकेशन का सर ड्रीम दिखा रहे हैं ना वहां जाना है बस। अभी वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, बस चलना है सर लेके जा रहे हैं, ड्रीम दिखा रहे हैं, चलो बस आगे बढ़ो। अब मैं बढ़ती गई। अब बीच में ये हुआ था कि मुझे फिर समझ में ही नहीं आने लग गई थी चीजें, कि हट रहा था माइंड कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। फिर सर मुझे समझाने लगे वापस कि बेटा अभी तो शुरुआत है ना, अब सब शुरू कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो सर का जो ड्रीम दिखाने का जो तरीका था ना कि देखो एजुकेशन मतलब लोगे, आप अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाओगे, JNU में जाओगे, TIS में जाओगे, फिर वहां से वापस आओगे, फिर मतलब जो चीज सर समझाना चाहते थे वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गई। अब मैंने एग्जाम्स भी दिए, फॉर्म भी मैंने, अब जो मैंने JNU का अभी है मेरा वो भी मैंने बहुत रो धो के भरा था कि मुझे JNU अभी नहीं जाना है, मुझे TISS जाना है। फिर लास्ट मोमेंट पे सर ने जबरदस्ती से फॉर्म भरवाए थे कि बेटा भरना ही है, मतलब भरना ही है, उसमें कोई मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। डांट वाट खा के फिर फॉर्म भर लिया, अब एग्जाम भी देने चले गए, वापस आ गए, TISS में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर तो फिर मैंने सोचा कि एक और साल रिपीट कर लेते हैं नालंदा में, कोई बात नहीं, और फिर अच्छे से TISS में चले जाएंगे। फिर अचानक से कहीं से पता चलता है कि मेरा रिजल्ट आ गया,
मेरा सिलेक्शन हो गया है जेएनयू में और मुझे ही नहीं पता, सब खुश है, मैं रो रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है. अब सर आए क्लास में, सर जी बहुत खुश थे, ऐसे बोले थे कि बेटा चलो अच्छा है फिर बैग पैक कर लो. दो ही दिन बचे थे मतलब मुझे वहां जाके एडमिशन करवानी थी. फिर सर जी ने मुझे बोला कि बेटा देखो अभी जल्दी से पैक वैक कर लो, मैं टिकट विकेट करा देता हूँ फिर आप चले जाना. मेरा तो पूरा दिन चला गया कि नहीं 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 नहीं. लेकिन जिस तरीके से सर जी ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे फिर से ड्रीम एकदम ऐसे एकदम जो होता है ना कि देखो जेएनयू फिर वहां जाओगे, वहां पे इतने सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं पढ़ते हैं, आप भी जाओगे, आपके एरिया से कोई भी नहीं गया है बेटा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. तो वो जो एक सर का जो जिस तरीके से सर मोटिवेट कर देना, मुझे वो लगता है कि एक एनर्जी ड्रिंक होता है कि बस पी लो और आगे बढ़ो, मतलब एनर्जी वापस आ गई और फिर मैंने चल दिया, मैं चली गई. अब वहां जाने के बाद ऑलरेडी 15 दिन तो हो चुके थे मेरी क्लासेस शुरू हुए, मेरा लेट एडमिशन था, मतलब सेकेंड लिस्ट में हुआ था मेरा सिलेक्शन, तो तब मुझे लेट हो गया था. अब मुझे और डर लगने लग गया कि अब मैं वहां पे कैसे कवर अप कर पाऊंगी सारी चीजें. मैं गई जर्मन लैंग्वेज, एक तो दूसरी लैंग्वेज सीखना मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन सर जी ने बोला था कि हो जाएगा आप कर लोगे. मैं गई वहां पे, 15 दिन हो चुके थे मेरे क्लासेस, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. मैं क्लास में जाके बैठ गई, वो सारे जर्मन में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था. फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं. एक महीना बीत गया, मैंने सर जी से बोला सर जी मैं वापस आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है मेरा, मैं बस वापस आ रही हूँ. हर बार यही होता था कि मुझे वापस आना है, लेकिन सर जी की जो बातें होती थी, जो सपने सर दिखाते थे ना कि भाई ये है वो है, आगे बढ़ना है हमें, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपके परिवार के लिए कुछ करना है, तो ये चीजें मुझे आगे बढ़ने में बहुत मतलब हेल्प करती थी. फिर मैंने मेरे 3 साल कंप्लीट कर लिए बैचलर्स के, ठीक है. अभी भी मैं बीच में ये हो रहा था कि मुझे मास्टर्स नहीं करना है, बस हो गया, मैं थक चुकी हूँ, सर जी मुझे बचा लो, मुझे TIS जाना है या कहीं और जाना है, लेकिन जेएनयू नहीं जाना है. अब सर जी बोलने लगे कि बेटा ऐसा नहीं होता है लाइफ में, ये है वो है, आगे बढ़ना है, टॉयफिल देना है. फिर जो ड्रीम दिखा रहे हैं सर, वो उसको पूरा करने की ताकत मुझे अभी वापस आ रही है. अब मुझे ऐसे लगने लग गया कि चलो करना है. अब जो ये बैकग्राउंड मेरा, जिस फैमिली से मैं बिलोंग कर रही हूँ ना, वो फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है. अब अगर सोसाइटी की बात करें कि बच्ची है क्यों भेजना है, इतने दूर जाना है, कहाँ गढ़चिरौली कहाँ दिल्ली, वहां पे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको मतलब पढ़ाई तो कुछ नहीं होती है, मस्ती ज्यादा होती है, बच्चा बिगड़ जाएगा मत भेजो. पापा के जो यहाँ के सीनियर्स है ना, वो बोलने लगे, तो पापा ने बस एक ही वर्ड बोला था कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जाएगी वो पढ़ेगी, बात का बाद में देख लेंगे, लेकिन वो जाएगी. ये चीज मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि सर जी का सपोर्ट, मेरे दीदी का और फिर मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रही है, तो वो सपोर्ट मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को मिले उनके फैमिली से, है ना. जैसे सर जी यहाँ पे भी आए थे, अरेब में भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया था जहाँ पे लड़के मतलब बच्चे आए थे सुनने सर जी की बातें और वो भी बहुत इंस्पायर हुए. अभी एक दो बच्चे हैं जो वहाँ पे मतलब नालंदा में पढ़ रहे हैं यही से, तो वो एक चीज मेरे लिए बहुत मतलब मायने रखती है कि भाई हम अकेले नहीं गए हैं, हमारे साथ और भी बच्चे आ रहे हैं आगे. और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स मतलब जो कंडक्ट सर कराते हैं, अभी नालंदा डिजिटल नालंदा, जब मैं नालंदा आई थी, नालंदा मतलब ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में होता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज नालंदा का जिस तरीके से रिनोवेशन हुआ है, इतना मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि नालंदा ग्रो कर रहा है और बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे आगे जा रहे हैं, अभी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है. तो ये चीज मतलब एक मोटिवेशन जो लोगों को चाहिए ना, वो नालंदा बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है. अब रही बात सावित्रीमाई फुले की, बाबा साहब की, तो इन लोगों ने तो मतलब सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ कर रखा है कि हम जितना बोले उतना कम है ना. लेकिन अगर वो लोग ना होते और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स नहीं मिलते, तो शायद मैं नहीं बोल पाती यहाँ पे और मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ रही है बोल रही है वो भी नहीं कर पाती ना. तो उन चीज का जो मतलब उन्होंने जो हम लोगों तक दिया है ना आज तक का, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, इक्वालिटी, एजुकेशन तो मस्ट है ना. तो इन चीजों में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको हमें आगे लेके जाना है. सिर्फ हमें उनका मतलब वो जो होता है ना कि मूर्ति या फिर उनकी फोटो, उनका वो देख के नहीं, हमें उनको उनके जो विचार है उनको आगे लेके जाना है, जो नालंदा कर रहा है, और वो मतलब एक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात है. और
ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहे तो मतलब कहाँ से कहाँ जो गैप जो है, इक्वालिटी जो जिसकी बात हम करते हैं वो आ जाएगी, है ना। और तो मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि नालंदा और नालंदा पूरी टीम को सपनाताई, और जो मतलब जब हम आए थे नालंदा में, हम कैसे थे आज कैसे हैं, मतलब जो चेंज मुझे दिख रहा है मेरे में या फिर मेरे और भी जो कलीग्स हैं उनके बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ये चीज है, ग्रोथ जो दिख रही है वो ऐसी ही बनी रहे। और थैंक यू सो मच अनुप सर जी, सपना ताई, नालंदा की पूरी टीम, और थैंक यू सो मच मुझे इस यहाँ बोलने के लिए मतलब चांस दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबको सावित्री माई फुले की 119th बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, जय भीम। थैंक यू प्रणाली, आपने आपका बैकग्राउंड बताया कि मैं कैसे बैकवर्ड एरिया से आती हूँ, किस तरह मेरा अप्स एंड डाउन चलता रहा स्टडी में। फिर आपने हमारे अनुप सर को एनर्जी ड्रिंक जैसे कहा, जैसे हम सब मानते भी हैं उनको कि वो है एनर्जी ड्रिंक। थैंक यू सो मच, आपने हंसते हंसते आपकी जर्नी बताई, थैंक यू।